प्यार ना करेंगे। एक दिन अपनी कैद में बंद कर लिया और इतनी कन्या का हरण किया कि 16,100 कन्या हो गई। भगवान कन्हैया को मालूम हुआ और भगवान कन्हैया ने जाकर उस भगवान राक्षस से ये किया और युद्ध करने के बाद उसका वध किया है। वध करने के बाद 16,100 कन्या को कैद से निकाल लिया और कहा कि तुम अपने अपने माता पिता के घर वापस चली जाओ। लेकिन मेरी माता बहनों, समाज के कलंक के कारण वो कन्या अपने माता पिता के घर वापस नहीं गई और भगवान से कहने लगी कि प्रभु मेरे माता पिता अपनाएंगे अंधकार नहीं अपनाएंगे, मेरे हृदय पर जो माथे पर कलंक लगाया वो छूटने वाला नहीं है, क्योंकि अब हम तुम्हारी शरण में रहना चाहती हूँ। आज 16,100 कन्या ने भगवान की ही शरण ग्रहण कर ली, इसलिए भागवत में भगवान का नैया ने 16,108 विवाह का वर्णन दिया है। बोलिए गोविंद सिंह ने भगवान की। इस तरह से भगवान का नैया का विवाह और हमारे कमरे पर आ जाए और जवाब मंच पर नहीं दे पाए। बोली बोली बोले भगवान की दया है। ओए मंगल ये न सोचा मिला कृष्ण ये